Hey students, today we will talk about the leftover part of gametogenesis. So, जैसे कि हम कल बात कर चुके हैं कि गेमेटोजेनेसिस में इन हायर एनिमल्स जो मेल गैमेट होता है उसको स्पर्म बोलते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट विच इज एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, इस प्रोसेस को कहा जाता है ओजेनेसिस। अब देखिए, ये तो हम बात कर चुके हैं एनिमल्स की। इन प्लांट्स, प्लांट्स में, इन हायर प्लांट्स में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट इन हायर प्लांट्स प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन के अंदर, और इस एंटायर प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है ओव्यूल में, और इस एंटायर प्रोसेस को कहा जाता है मेगा स्पोरो जेनेसिस। देखिए, जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन में बनता है, और फीमेल गैमेट जो है वो ओव्यूल में बनता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन हायर प्लांट इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप देखिए, जो इन लोअर प्लांट लाइक ब्रायोफाइट, जो गैमेट्स होता है, मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होता है। तो इसीलिए हम बात करेंगे अब ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स की। देखिए, हमें अगर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो दोनों जो गैमेट्स हैं उनको फ्यूज कराना पड़ेगा। फ्यूज कराने के लिए वो एक दूसरे के पास भी आने चाहिए, तो वो पास कैसे आएंगे, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, देखिए, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स लोअर प्लांट्स की लाइक ब्रायोफाइट, हम बात कर चुके हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मींस मूवेबल होता है, तो अपने आप मूव करके फीमेल गैमेट के पास चला जाएगा थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है। ऐसे ही इन हायर प्लांट्स जो गैमेट्स होते हैं वो मेल गैमेट जो है वो पोलन ग्रेन, इन पोलन ग्रेन के अंदर होता है, फीमेल गैमेट ओव्यूल के अंदर होता है। तो इन दोनों गैमेट को अगर हमने फ्यूज कराना है तो पास लेकर आना होगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। अब इन हायर प्लांट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट ऑन फीम विद टुवार्ड्स द फीमेल गैमेट, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन, या पोलिनेशन को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखिए, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन प्रोसेस क्या करता है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर कर देता है। और जो पोलन ग्रेन किसके अंदर होते हैं, एंथर के अंदर। एंथर क्या है, मेल पार्ट है, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो यहां से ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आना, ये प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन होने के बाद क्या होगा कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया, तो
पहुंचने के बाद ये दोनों गैमेट्स क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, और इसी फ्यूजन को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए जो ये फर्टिलाइजेशन होता है इसको एक टर्म और दिया जाता है, सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी एक ही बात होता है, ये क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अब जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर हो रहा है, मतलब इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। देखिए फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मीन्स एग, सॉरी स्पर्म और एग जब फ्यूज कर जाते हैं तो बनता है जाइगोट, और ये जो जाइगोट है ये फर्दर कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है, देखो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जाइगोट में तब जाकर वो एम्ब्रियो बनता है, इन्हीं चेंजेस को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियो जेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। कि इसमें बहुत जाइगोट जो है उसके अंदर बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन होती है जिसके बाद और कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है और फॉर्म करता है एम्ब्रियो, इस प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। आप देखिए अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मीन मेनली हायर ऑर्गेनिजम्स, लाइक ह्यूमन बीइंग कह लीजिए, ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है कि जो मेल है वो फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट्स को डिपॉजिट करता है, मेल डिपॉजिट्स गैमेट्स इनसाइड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल। मेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर गैमेट्स को डायरेक्टली डिपॉजिट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ कोपुलेशन। लेकिन कुछ एनिमल्स के केस में लाइक लोअर एनिमल्स कह लीजिए, लाइक फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग एंड मेल फ्रॉग दोनों अपने गैमेट्स जो है वो वाटर में ट्रांसफर कर देते हैं, और वाटर में क्या होता है, वाटर के अंदर ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही जो है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए मेन डिफरेंस क्या है कि अगर फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा है तो हम उसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अगर इन आउटर एनवायरनमेंट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लाइक जैसे ये हो गया, उसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वो किस में होगा, इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो है फर्टिलाइजेशन होता है वो मेनली इंटरनल ही होता है, क्योंकि देखिए ट्रांसफर ऑफ गैमेट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जो स्टिग्मा होता है उसके अंदर होता है, फिर वो मूव कर जाता है थ्रू द पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब से होते हुए वो नीचे ओव्यूल तक जाता है और फ्यूज कर जाता है। तो हायर प्लांट में जो ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, हायर एनिमल्स में भी इंटरनल होता है, लेकिन लोअर एनिमल्स में क्या है,
जहां पर वो क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट को एनवायरमेंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पर ही वो फ्यूज करते हैं और आगे का प्रोसेस जो है वो एनवायरमेंट में होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइज। उसके बाद देखिए जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर डेवलप हो रहा है। अगर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग ले करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले ही, लाइक फ्रॉग था कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही एग को एनवायरनमेंट में ओव्यूलेट कर दिया, प्रोसेस ऑफ मतलब रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो उस बेसिस पे कुछ टर्म्स है जो हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एनिमल्स, इन एनिमल्स के केस में अगर एग ले कर रहा है कोई, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ओवीपैरस, और अगर गिविंग बर्थ टू यंग वन लाइक अस, तो उसको कहा जाता है वीवी पैरस। देखिए ये दो टर्म्स हैं, अगर कोई एनिमल बच्चे को जन्म ना देकर एग ले करता है उस एनिमल को कहा जाता है ओवी पैरस, और अगर कोई एनिमल अपने बेबी वन को प्रोड्यूस करता है, बर्थ करता है, तो उस एनिमल को कहा जाता है वीवी पैरस। अब देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या है कि जो एग ले करेंगे उसमें सफिशियंट न्यूट्रिशन होता है, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली जो एग से जो हैच होगा वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन कुछ एग ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो मतलब जो यंग वन है उससे पहले की स्टेज लाइक लार्वा जो है उससे हैच होता है, उसके बाद लार्वा जो है एनवायरमेंट में रहकर फीड करता है, फिर वो उससे प्यूपा बन जाता है, ऐसे करके मतलब जो एनवायरमेंट में ही ग्रोथ होती है। लेकिन जो सेल्फ सफिशियंट एग होता है लाइक उसको कहा जाता है क्लीडोइक एग मीन्स सेल्फ सफिशियंट एग, मतलब इस एग में जो योक है वो इतना सफिशियंट है कि वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को इस स्टेज तक ग्रो करवा सके कि वो यंग वन ही हैच होगा उस एग से। लेकिन कुछ एग ऐसे होते हैं जिसमें सफिशियंट न्यूट्रिशन नहीं होता, तो वो यंग वंस हैच आउट होने की बजाय उससे पहले वाली स्टेज जो है वो निकलता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो फ्रॉग है उसमें फ्रॉग से जो है एग है, फ्रॉग का जो एग है उससे हैच होता है लार्वा, लार्वा से फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, ऐसे करके वो अडल्ट जो है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस एनवायरमेंट में रहकर ही वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन लाइक इन केस ऑफ ये जो क्लीडोइक एग है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बर्ड। बर्ड्स का जो एग होता है वो सेल्फ सफिशियंट एग होता है, मतलब इतना न्यूट्रिशन उस एग में होता है कि वो एम्ब्रियो को कम्प्लीटली एनवायरमेंट में ग्रो करवा सकता है, उस एग को कहा जाता है क्लीडोइक एग। थैंक यू स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।